أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म्स ऑफ सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था और फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल पढ़े थे. आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और उसके साथ में हमें क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हम जानते हैं क्या होता है. आज हमें जो पढ़ना है असल में वो ये है फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम एम इज आर प्लस उसके साथ हम ऐड करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है बच्चे, तो इसमें जो इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है जब हम ऑक्सिलरी के ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके बाद जो हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एम के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस फिर जब हम उसमें जब नेगेटिव जब हमें नेगेटिव बनाना होता है लाइक एफर्मेटिव, तो हमें पता है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. जब हम प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूस में एफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के साथ और साथ में ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी में एम इज आर. और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इस ऑक्सिलरी के ठीक बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो वर्ब का फॉर्म है वो वैसा ही रहता है. इंटरोगेटिव में हम जो है ऑक्सिलरी का इस्तेमाल पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. लाइक अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हम देखते हैं अगर मैं इसका फॉर्म इसका बनाऊँ, तो सबसे पहले अब मैं अफर्मेटिव बनाऊँगा, तो अफर्मेटिव में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक वर्ब लूँगा और उस वर्ब का मैं एक ये सेंटेंस बनाऊँगा. जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आई एम स्कीपिंग, तो मैं स्कीपिंग कर रहा हूँ. आई एम स्कीपिंग यानी स्किप जो है ये एक वर्ब है, स्कीपिंग जो है ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, जिसे पुराने ज़माने में वर्ब प्लस आई एन जी का इंग फॉर्म कहा जाता था. नाउ इट इज़ कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो जब मैं अफर्मेटिव बनाऊँगा तो अफर्मेटिव में मैं सीधा कहूँगा आई एम स्कीपिंग. तो जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा, वो तो इकरारिया जुमला था ना, अब जब मैं इसका इनकारिया बनाऊंगा तो इनकारिया कैसे बनाऊँगा, यानी मुझे इनकार करना है. यहाँ पे मैं कहीं बोल रहा हूँ मैं स्किपिंग कर रहा हूँ, तो इनकार जब मुझे करना है तो मैं स्किपिंग नहीं कर रहा हूँ. या जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, नहीं मैं पानी नहीं पी रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूँ. तो ये नेगेटिव बनता है. और जब इंटरोगेटिव बनेगा तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं स्किपिंग कर रहा हूँ तो अफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव में बोलूँगा मैं स्किपिंग नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं इंटरोगेटिव करूँगा तो मैं कहूँगा क्या मैं स्किपिंग कर रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं चाय पी रहा हूँ, क्या मैं पानी पी रहा हूँ. तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं जो मैंने आपको जब हम सेंटेंसेस पढ़ते थे वहाँ पर हमने बखूबी पढ़ा हुआ है. एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो हमने पढ़े हुए हैं. ठीक है, लाइक मैंने एक वर्ब का इस्तेमाल किया, मैंने कहा स्किपिंग, आई एम स्किपिंग, तो फिर मैं नेगेटिव में क्या बोलूँगा, आई एम नॉट स्किपिंग. तो अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊँगा तो क्या कहूँगा, एम आई स्किपिंग. तो सिंपली अब आई तो हो गया, अब चलिए वी पे चलते हैं, वहाँ तो सिंगुलर था, अब चलो प्लूरल पे पढ़ते हैं. तो जब सिंगुलर के साथ एम आता है तो प्लूरल के साथ आर आएगा, वी आर स्किपिंग. चलिए आप नेगेटिव बनाइए, वी आर नॉट स्कीपिंग, हम तो बिल्कुल स्कीपिंग नहीं कर रहे हैं. चलिए आप इंटरोगेटिव बनाइए, आर वी स्कीपिंग, क्या हम स्कीपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो क्वेश्चन मार्क बन गया. लेकिन हर इंटरोगेटिव के आखिर पे नोट ऑफ इंटरोगेशन डालना ज़रूरी है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का डालना बहुत ज़रूरी है. अब चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या बोलेंगे हम ही शी के साथ, ही शी is skipping, he she is skipping. negative बनाइए, he she is not skipping. और interrogative बनाइए, is she is he skipping. तो चलिए आप they पे चलते हैं, they are skipping, they भी क्या है plural है, they are not skipping, नहीं negative है, they are not skipping. are they skipping, interrogative है, आर दे स्कीपिंग इंटरोगेटिव है. तो यूज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
यानी यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हम कैसे यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो वही टेंस है, ये तो वो एक्शन है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये उस वक्त हो रहा है, ये अमल, ये एक्शन उस वक्त हो रहा है. जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगा, द गर्ल्स आर लर्निंग इन द क्लास, लड़कियाँ जो है वो क्या कर रही हैं, क्लास में सीख रही हैं. गर्ल्स आर रीडिंग, बॉयज़ आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं. यानी ये वो एक्शन है जो कंटिन्यू है, जो ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना होगा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सेप्ट टू टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर. टू एक्सप्रेस एन एक्शन एक्सेप्टेड टू टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर, वो एक्शन एक्सप्रेस करना जिसकी हमें तवक्का है कि इमीडिएट फ्यूचर यानी बहुत जल्दी वो होने वाला है. आई एम लिविंग फ्राम फॉर श्रीनगर टुमारो, मैं तो जा रहा हूँ. आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ? श्रीनगर. कब जा रहा हूँ? मगर कल जा रहा हूँ, यानी कल की डेट में, नियर फ्यूचर, इमीजिएट फ्यूचर में जो होने वाला है. ऐसे ही तीसरा पॉइंट आप याद रखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट, वो एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा है, बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन बोलते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त भी चलता हो. दे आर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स हेयर, अब तो वो यहाँ नहीं है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वो लोग जो है वो यहाँ पे अपने ऑफिस का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो यहाँ पर नहीं थे. ठीक है, यानी इसी को कहते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट, वो एक्शन का बारे में बात करना जो प्रेजेंट जो प्ले जो 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 प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है, बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अब जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो काम वहाँ पे होता है. जैसे मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मेरे घर का काम चल रहा है, तो जिस कोई बंदा आके मुझे मिलता है वो कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है. दो उस वक्त वो नहीं हो रही है, ये जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है उस वक्त भी मिस्त्री वहाँ पे बैठा हो, ईंटें चढ़ा रहा हो, तो तब मैं कहूँगा ये प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस टेंस है. नहीं, वहाँ पे वो काम हो रहा है, वो जारी है, वो फिनिश नहीं हुआ है. अब समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया. तो अगला जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में उसके फॉर्म्स होंगे. तो इंशाल्लाह अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेरीज लिखिए. कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आप लिख नहीं रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है. अगर पढ़ाने का ढंग सही नहीं है मेरा, तो प्लीज़ राइट इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स. मुझे लिखिए, मुझे बोलिए, मुझे गाइड कीजिए कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगा. और उम्मीद है कि आज का जो ये टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा. तो इंशाल्लाह अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.